हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, आज के हम इस कार्यक्रम में जो आपके साथ बात कर रहे हैं, ये आपके मासिक लव राशिफल के विषय में बात करने जा रहे हैं, यानी कि मंथली लव राशिफल। और ये जो मंथली लव राशिफल है, ये माह जुलाई 2022 का है। और इस जुलाई 2022 में जो भी मेष से लेकर के अर्मीन लगन राशि तक के जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे। ग्रहों की जो गोचर में स्थिति चल रही है करंटली वर्तमान में, उसके आधार पर आपके भाई, अगर आप देखिए, पांच पॉइंट्स पर हम बात करेंगे सारी राशियों के विषय में। सबसे पहले बात करेंगे जो सिंगल हैं पूर्ण रूप से, उनके विषय में। फिर जिनके अफेयर्स चल रहे हैं पहले से, लव अफेयर्स, लव रिलेशनशिप में चल रहे हैं जो लोग, उनके विषय में। उसके बाद वैवाहिक संबंधों के विषय में बात करेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के विषय में भी बात करेंगे, और अंत में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के विषय में भी बात करेंगे। अब ग्रहों की जो सिचुएशन है, ग्रहों की जो वर्तमान में गोचर में स्थिति है, उसके आधार पर आपको कितने अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी, या उसमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इन सब बातों के विषय में हम डिटेल में आपसे बात करने वाले हैं। और आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहेंगे कि ये जो राशिफल की चर्चा अब हम कर रहे हैं, ये पूर्ण रूप से लग्न राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित ये कार्यक्रम नहीं है। तो सबसे पहले बात करेंगे जो मेष लग्न राशि के जातक हैं, यानी कि एरीज असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि देखिए, आप मेष लग्न राशि के जो जातक हैं, जुलाई में आपको, अगर आप अभी तक पूर्ण रूप से सिंगल हैं, अभी आपका कोई मित्र नहीं है, कोई साथी नहीं है, कोई आपका दोस्त नहीं है, फ्रेंड नहीं है, और आप अभी इस विषय पर गंभीरता से सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि आपका भी कोई मित्र बने, तो क्या इस महीने इस बात की संभावना रहेगी ग्रहों के आधार पर कि आप अपने इस जो विचार कर रहे हैं इसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाए, या कितनी सफलता प्राप्त हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती, ये सब बातों के विषय में बताएंगे। दूसरा आपसे बात करेंगे, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में चल रहे हैं, आपके अफेयर्स चल रहे हैं, तो इस महीने कितनी प्रोग्रेस होगी उसमें, या फिर उसमें कुछ समस्याएं तो नहीं आएंगी, या आपके रिलेशनशिप को लेकर के कुछ और दिक्कतें पैदा तो नहीं हो जाएंगी इस महीने, इसके विषय में भी आपसे बताएंगे। और इसके बाद बात करेंगे कि जो विवाहित महिला पुरुष हैं, उनका वैवाहिक जीवन इस जुलाई 2022 में मेष लग्न राशि के जातक जो हैं, उनका कैसा रहने वाला है। और इसके बाद जो बात होगी वो होगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके, कि क्या इस बात की भी संभावना है कि अगर आपके पहले से अफेयर्स चल रहे हैं तो इस महीने आपको उसमें और अच्छा सफलता प्राप्त होगी, आपकी प्रोग्रेस होगी, या उसमें भी कहीं कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, या सफलता प्राप्ति नहीं होगी, इस विषय में भी बताएंगे। और अंत में आपसे बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के विषय में, यानी कि आपके पहले अच्छे रिलेशनशिप चल रही थी, आप बहुत रिलेशनशिप में थे, अच्छी में थे, लेकिन किसी ना किसी कारणवश आपको दूर होना पड़ा, अलग होना पड़ा, चाहकर भी नहीं होना पड़ता है कई बार, या कई बार चाह करके भी अलग होना पड़ता है, दोनों ही बातें होती हैं, अलग अलग सिचुएशन बन जाती है जीवन में कई बार। तो क्या अगर आप दोबारा आप विचार कर रहे हैं कि मिलने की, कि भाई हमारे पहले जैसे रिलेशन कायम हो जाएं, दोबारा से पहली जैसी बातें हो जाएं, तो क्या अगर उसके लिए आप एफर्ट करते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी ग्रहों के आधार पर, क्या ग्रहों की स्थिति आपको सपोर्ट कर रही है इस विषय में। तो ये सब बातें आपसे करेंगे। और सबसे पहले अब मेष लग्न राशि के जो जातक हैं, उनके विषय में बताने जा रहे हैं कि अगर आप पूर्ण रूप से सिंगल हैं तो आपका इस महीने किस प्रकार का संयोग बनेगा मित्र के बनाने के संदर्भ में। तो देखिए, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा मेष लग्न के जो जातक हैं कि पहली जुलाई से लेकर और 12 जुलाई के बीच में आपका अपना व्यवहार तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका बोलचाल, अपने जिसको आप पसंद करने लगे हैं, या जिसको आप पसंद करते हैं, या जिसको आपने मन ही मन अपना मित्र मान के रखा हुआ है, सिर्फ अभी तक बात आपके दिमाग तक ही है,
विचारों में ही है अभी बात, वो इसके आगे बात नहीं बढ़ पाई है। और एक तारीख से और 12 जुलाई तक का बीच का जो ये समय है, इसमें क्या है कि आपका व्यवहार तो उनके साथ बहुत अच्छा रहेगा, आप बहुत अच्छी तरीके से उनके साथ बात करेंगे, व्यवहार करेंगे, बहुत अच्छी, मतलब एक तरीके से क्या कहना चाहिए कि बोलने चालने का जो भी कुछ रहेगा आपका, मिलना जुलना बहुत अच्छा, आपकी तरफ से सब कुछ बहुत पॉजिटिव रहेगा। लेकिन साथ के साथ आपको कहीं ना कहीं उनकी ओर से मन के अंदर एक डर और एक भय कह सकते हैं, या डाउट, एक ये भी साथ साथ बना रहेगा कि भाई मैं तो इसको बहुत पसंद करता हूँ या करती हूँ, और इसके साथ इसको मैं हर तरीके से बहुत अच्छी तरीके से बिहेव भी करती हूँ, बातचीत भी करता हूँ या करती हूँ, लेकिन क्या ये भी मेरे को उसी तरीके से रेसिप्रोक्रेट करेगा या करेगी? इस बात को लेकर के आपके मन में शंका बनेगी, और क्योंकि शंका रहेगी तो आप आगे बढ़ने से भी डरेंगे कि भाई मैं अगर कुछ आगे प्रपोज इनके प्रपोजल रखूं इस इनके आगे या इसके आगे अपने मित्र के सामने, तो क्या ये मेरे प्रपोजल को आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे? तो इस प्रकार की दुविधाएं आपके मन में चलेंगी। 12 जुलाई के बाद क्या होगा? 12 जुलाई के बाद जब शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो जो डाउट्स आपके थे अपने मित्र को लेकर के, या उनकी किसी ना किसी बात को लेकर के आपके मन में कुछ ऐसी बातें आ जाती थी कि अरे भाई मैं तो इतना अच्छे तरीके से बातें करता हूँ या करती हूँ, इन्होंने तो मेरे बात का ये रिप्लाई दे दिया, तो ये तो कोई बात ऐसी भी होती है जो अंदर ही अंदर कई बार अच्छी नहीं लगती, खुद को भी, दूसरे को उसका एहसास है या नहीं है, हमें उसकी ज़रूर वो बात जो है पिंच कर जाती है। तो ये 12 जुलाई तक जैसा मैंने कहा ऐसी स्थिति रहेगी, लेकिन 12 जुलाई के बाद जब शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे और उधर बुध और सूर्य माह के मध्य में अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके मन में, आपके माइंड में जिन चीज़ों को लेकर के जो डाउट्स चल रहे हैं या डर या भय जो भी है, उसमें रहेगा तो वो आगे भी पूरे माह, लेकिन कहीं ना कहीं फिर आप अपने मन को, अपने माइंड को सेट भी करेंगे, समझाएंगे भी, खुद को कन्विंस करने की कोशिश भी करेंगे बीच बीच में कि नहीं, कुछ हो सकता है मैं ही गलत सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, शायद मैं ही गलत हूँ या मैंने ही कुछ ऐसा गलत समझ लिया होगा, उस व्यक्ति का ये ऐसी भावना लगती नहीं कि उसने ये सोच करके मुझको ऐसा कहा होगा या बोला हो। तो ये जो जुलाई का महीना है प्रिय साथियों, बात क्योंकि सिंगल लोगों की हो रही है मेष लग्न राशि के, तो आप सिंगल लग्न राशि के जो हैं, मित्रता पूरी तरह से कामयाबी मिलना या आपका प्रपोजल आप उनको दें और वो एक्सेप्ट कर लें, अभी ये चीज़ थोड़ी दूर की है। और हम भी आपको यही कहेंगे, अगर आप हमसे व्यक्तिगत सुझाव अगर हमारा मानना चाहते हैं, तो हम ग्रहों के आधार पर स्थिति को देखते हुए हम यही कहेंगे कि अभी आप जल्दबाजी भी ना करें, जल्दबाजी में ना रहें, कि आप ठीक है, आप अपना मिलते रहिए, बातचीत करते रहिए, सब कुछ है। कुछ चीज़ें जैसा मैंने कहा उनकी अच्छी भी नहीं लगेंगी, लेकिन बाद में 12 मिड मतलब महामध्य से माह के अंत के बीच में आप अपने आप को भी कन्विंस करने की कोशिश करेंगे बीच बीच में कि नहीं, हो सकता है मैं ही गलत हूँ, मैंने ही गलत समझ लिया हो, जबकि उनका ऐसा कोई इरादा शायद नहीं होगा कहने का। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी। तो ऐसे हालातों में प्रपोज करना तो मैं नहीं समझता कि ज़्यादा उचित रहता है, अभी पहले वो चीज़ तो हो, पहले वो हालात बने, और वो भी बनेंगे जैसे जैसे ग्रहों की स्थितियाँ में सुधार होगा। लेकिन इस जुलाई के महीने में हमारा आपको व्यक्तिगत सुझाव है कि अगर आपने प्रपोज नहीं किया है तो अभी ना करें, इस महीने चीज़ों को अभी थोड़ा सा स्टडी करें, ऑब्जर्व करें, और उनकी भी एक्टिविटीज़ को आप नोटिस करें, यही अभी इस महीने इतना ही करें, आप जल्दबाजी ना करें। आगे बात करेंगे जो लव रिलेशनशिप में है मेष लग्न राशि के जातक, या जिनका अफेयर्स चल रहा है कहीं पर, कि भाई आपका अफेयर है तो आप कैसा रहेगा इस महीने, तो आपसे बताना चाहेंगे कि प्रिय साथियों देखिए, जहाँ तक अफेयर की बात है, आपका अपने मित्र को लेकर के, मित्र के साथ जिसके साथ भी आपकी रिलेशनशिप है, चाहे आप फीमेल हैं मेष लग्न राशि के जातक, चाहे आप मेल हैं या फीमेल जो भी हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि माह के मध्य तक आप हर तरीके से अपने मित्र को एक तरीके से इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, अपनी भाषा से, अपनी बातों से, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ आप कुछ ओवर एक्ट करेंगे या कुछ
अलग से कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे और हर तरीके से आप, मतलब एक तरीके से आप ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे अपने मित्र को, अपने साथी को, कि भाई मैं तो आपके लिए पूरी तरह से हर तरीके से जैसे भी पॉसिबल है मैं हर तरीके से आपके लिए कमिटेड हूँ। ये एक मैसेज आप बहुत स्ट्रांगली देना चाहेंगे अपने मित्र को, लेकिन मित्र की ओर से भी आपको इतना ही स्ट्रांग मैसेज, वो भी आपको ऐसी तरीके से रेसिप्रोकेट करें, इसकी संभावना मुझे थोड़ी सी यहाँ पर डाउट लग रहा है इस चीज़ को लेकर के, और विशेष रूप से माह के मध्य तक, जबकि आपका जो होगा व्यवहार, आपका जो बोलचाल होगा, सब कुछ होगा, वो बहुत ही पॉजिटिव वे में होगा, लेकिन उधर से इतना ही आपको मिल जाए तो इसकी आप एक्सपेक्ट, इसके लिए एक्सपेक्ट भी ना करें, आप अपेक्षा भी ना रखें ऐसी कि भाई जैसा मैं कर रहा हूँ मेरा मित्र भी मुझे इसी तरीके से ही इस चीज़ को रिटर्न करेगा, या ऐसा ही व्यवहार कि आप उससे एक्सपेक्टेशंस ना रखें, तो ज़रा आपका जो मन है वो ज़्यादा दुखी नहीं होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है, ग्रह ऐसा ही करवाना चाहते हैं। और 12 जुलाई के बाद जो चीज़ें हैं उसमें थोड़ा चेंजेज आपको देखने को मिलेगा, यानी कि महामध्य के उपरांत। फिर आपका जो मित्र है, जैसा मैंने कहा कि 12 जुलाई तक तो आप उनको, उनसे किसी प्रकार की किसी ऐसी अपेक्षा ना रखें, जैसा कि आप खुद उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं हर तरीके से, और तभी चीज़ें आगे बढ़ती हैं, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ता ही है कभी भी बीच में, हमेशा कंप्रोमाइज़ नहीं लेकिन बीच बीच में कभी, जब जैसी सिचुएशन हो उसके हिसाब से कभी कभी कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ जाता है। लेकिन माह मध्य से और माह के अंत के बीच का जो ये समय अवधि होगा, इस समय अवधि में, इस ड्यूरेशन में, आपके मित्र के स्वभाव में भी आपको चेंज दिखाई देगा, और वो भी पॉजिटिव चेंज। तब जाकर के आपको वो लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि भाई जो मैंने इनको दिया है, जो भी मैंने कमिटमेंट इनके साथ की हैं और उनको फुलफिल करने की भी कोशिश की है ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ, अब कहीं जाकर के चीज़ें शायद इनको समझ में आई हैं मेरे मित्र को, और अब ये वो का मुझे ये रिटर्न करना है। हालांकि पूरी मात्रा में तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक आपको ऐसा जरूर महसूस होगा। हाँ, जहाँ तक बात इस बात की है कि शादी और विवाह की, अगर आप इस बात को लेकर के गंभीर हैं, तो देखिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि विवाह का तो योग बनेगा, लेकिन बहुत कम समय के लिए बनेगा प्रिय साथियों, 13 तारीख से लेकर के और 16 तारीख के बीच वो समय बनेगा। और इस समय अवधि में ये, मैं इस बात को पूरा उसके साथ नहीं कहूँगा कि ये 100% इसमें आप सक्सेस भी हो जाएंगे, बेशक चाहे आपकी प्लानिंग बिल्कुल मजबूती क्यों ना हो, चाहे आप उसके विषय में पूरी तरह से सोच विचार करके क्यों ना बैठे हों, लेकिन ये हालात ऐसे रहेंगे कि योग तो बनेगा, लेकिन उस योग में कुछ अड़चन डालने वाले लोग ज़्यादा होंगे, आपके कार्यों में विघ्न डालने वाले, कार्यों को बिगाड़ने वाले, तो ये योग बना बनाया भी फिर उसका पूरा इतना प्रभाव आपको दिखाई देगा नहीं, और बहुत कम समय के लिए होगा। हो सकता है शायद वो डेट ही आपके दिमाग से निकल जाए, 13 से 16 तारीख के बीच की जो हम बता रहे हैं, तो ये कुछ अच्छे बहुत ज़्यादा मजबूत स्ट्रांग योग नहीं है, इसलिए थोड़ा हम भी कहने में हिचकिचा रहे हैं। तो शादी का तो ज़्यादा अभी दिमाग में ये इस महीने ना रखें तो ज़्यादा ही बेहतर होगा, मैरिज को अगर आपकी प्लानिंग चल रही है तो उसके लिए आगे आने वाले समय में प्लानिंग कर सकते हैं, वो हम बताएंगे आपको जब अगस्त का लव राशिफल की बात करेंगे, तब आपको उसके लिए गाइड करेंगे ग्रहों के आधार पर। और अगर आप चाहते हैं कि भाई चलिए शादी तो नहीं हुई कोई बात नहीं, रिलेशनशिप को तो मैंने बता ही दिया कि माह मध्य तक कैसा रहेगा, माह मध्य से लेकर माह के अंत तक आप दोनों के बीच में कैसा रहेगा, लेकिन एक बात हम चलते चलते जरूर बताना चाहेंगे आपके केस में कि हाँ, ऐसा कोई दूर तक योग नहीं है कि जिसमें आप पूरब की तरफ जाएं और वो पश्चिम की तरफ जाएं, या आपकी बनी बनाई बात कहीं बिगड़ जाए, इस बात के तो संकेत देखिए नहीं है, दूर तक भी नहीं है, तो हम इसीलिए इसका कोई जिक्र कर नहीं रहे, और हमने किया भी नहीं है अपनी चर्चा में इस बात का, दूर तक भी कोई जिक्र नहीं किया। आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, यानी कि जो महिला और पुरुष हैं, मैरिड कपल्स हैं, उनका कैसा रहेगा। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि माह की 1 जुलाई से आपके जो वैवाहिक सुख हैं उसमें कमी दिखाई दे रही है, और तालमेल में कमी है, आपसी अंडरस्टैंडिंग में भी कमी रहेगी, बल्कि
मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि माह के मध्य तक तो कुछ हालात इस प्रकार के बनेंगे कि अगर पहले से ही आप लोग अलग हैं तो ये मामला और अभी आगे बढ़ेगा और हालात बिगड़ेंगे, अगर पहले से ही आप अलग हैं तो, और बात कोर्ट कचहरी तक भी जाने की संभावना बनती है। ग्रहों की इतनी मतलब विषम स्थिति है, कुछ विपरीत स्थिति है, अच्छी स्थिति नहीं है, फेवरेबल। महामध्य के उपरांत भी कोई अच्छी स्थिति तो नहीं कही जाएगी, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत सुधार आपको महामध्य से लेकर माह के अंत तक जरूर उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। पूरी तरीके से तो नहीं है कि भाई हालात सुधर गए एकदम, सब कुछ नॉर्मल हो गया, ऐसा तो नहीं लगता। तो वैवाहिक संबंधों में थोड़ा गड़बड़ है, इसको लेकर के आप थोड़ा सचेत रहें, हम आपको यहाँ पर सावधान करना चाहते हैं। अब आते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर, कैसा रहेगा। देखिए, आप मेष लग्न राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि इस जुलाई 2022 में बहुत प्रबल योग बना हुआ है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का। अगर आपके पहले से कभी नहीं भी रहे हैं अफेयर, तो इस महीने होने की बहुत प्रबल संभावना है। लेकिन समस्या एक दूसरी भी है कि आपके संबंध तो आप बना लेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, उसमें तो आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती दिखाई दे रही है। तो आपको, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चल रहे हैं, मैंने जैसा कहा कि प्रबल योग है, तो चलेंगे भी, बढ़ेंगे भी इस दिशा में आगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि भाई मेरे, देखिए ये दूसरे विवाह के भी योग बने हुए हैं इस महीने, तो अगर आपके माइंड में ऐसा है कि भाई मैंने तो पहला जो मेरी मैरिज है उसको तो मैं भूल जाता हूँ, या मैं तो कोर्ट कचहरी से मैं तो डिवोर्स की बात सोच रहा हूँ, डिवोर्स लेना ये है वो है, तो देखिए बात अलग है। लेकिन अगर आप मैरिड हैं और आप हस्बैंड वाइफ रहते हैं एक साथ, उसके बावजूद आपके रिलेशनशिप कहीं एक्स्ट्रा हो गई है, तो फिर आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा साथियों, अन्यथा आपकी मैरिड लाइफ पर इसका बहुत बुरा प्रभाव दिखाई दे रहा है पड़ता हुआ। ये चीज़ अब आपको सोचनी है, ये चीज़ हमने आपको तो देखिए सावधान कर दिया है ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, अब चीज़ों को हैंडल कैसे करना है उस आधार पर, ये अब आप पर निर्भर करेगा इस जुलाई के महीने में। आगे बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप चले गए हैं दुर्भाग्यवश और फिर दोबारा से मिलना चाहते हैं, तो क्या इस बात की संभावना है, ग्रह इस बात की आपको परमिशन देंगे कि आप एफर्ट करें और उसमें सक्सेस हो जाएं और वापस पहले जैसे ही चीज़ें रेस्टोर हो जाएं आपके लाइफ में, तो इस पर भी हम आपसे बात करना चाहेंगे। देखिए बात यह है प्रिय साथियों कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रहों की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार की है कि 1 जुलाई से 12 जुलाई तक तो आप पहले तो देखिए अपना माइंड सेट करिए, और माइंड सेट आप करने में थोड़ा सा अपने आप को मुश्किल महसूस करेंगे, परेशानी। उसका कारण यह है कि शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, शनि जहाँ बैठे हुए हैं, शनि करने ही नहीं देंगे आपको। आप अपने माइंड को तो बहुत सेट करने की कोशिश करेंगे, आप प्लानिंग तो करेंगे, लेकिन वो करने में आपको दिक्कत पेश आएगी। और अगर किसी वजह से प्लानिंग आपने कर भी ली कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कॉन्टैक्ट करना है, उसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा, कब कब कैसे कैसे, तो उसमें फिर आपको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कोई प्लानिंग करी कि भाई मैंने उनको उस दिन कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करनी है, कॉन्टैक्ट करना, अब पता चला कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पा रहा है, फ़ोन ही नहीं लग पा रहा है, और लग भी रहा है तो उनसे बात नहीं हो पा रही है, कुछ इस तरीके की बातें रह सकती हैं, और जो रहने की पूरी संभावना भी है, और 12 जुलाई तक तो हमने बोला ही है आपको। हाँ, 12 जुलाई के बाद भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके एफर्ट जो है वो आपको सक्सेस दिला देंगे इस महीने। हाँ, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा प्रिय साथियों, रिजल्ट उस हिसाब से आते हुए मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन परेशानियों में भी, उन एफर्ट में भी जो आपके द्वारा किए जाएंगे, बीच बीच में कहीं ना कहीं आपको इस बात का एहसास और अनुभव जरूर होने वाला है कि आज नहीं तो कल मैं सक्सेस जरूर हो जाऊंगा, ऐसा कुछ अनुभव जरूर होगा हालातों को देख देख करके। कुछ बीच बीच में हालात, कुछ इस प्रकार की सिचुएशन भी बनेगी कि जिसको देख करके आपको कहीं ना कहीं ये विश्वास होगा कि ठीक है अभी ग्रहों की स्थिति मुझे परमिट नहीं कर रही है, लेकिन हाँ फिर भी जो हालात हैं उनको देख करके आज नहीं तो कल बात बन सकती है।
और यही ग्रहों का आपकी ओर कहना है, इशारा है। एफर्ट को मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी अच्छे कार्य के लिए एफर्ट करने में कभी कोई बुराई नहीं होती, करने चाहिए। अगर आप एक दूसरे से मिल सकते हैं और उसके मिलने से किसी को कोई नुकसान नहीं है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए एफर्ट किए जा सकते हैं। और ग्रहों की जैसे ही स्थिति आपके अनुकूल होगी आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था मेष लग्न राशि के जो आप जातक हैं उनका मंथली लव राशिफल जुलाई 2022 का। अगर आपको ये राशिफल पसंद आया है प्रिय साथियों, तो इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको शेयर करें वीडियो को, ताकि दूसरे भी मेष लग्न के राशि के जो जातक अगर हैं वो भी इसको देख करके वो भी इससे लाभान्वित हो सकें, उनको भी इससे बेनिफिट मिल सके। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में आपको हमारा वीडियोस और हमारी नोटिफिकेशन डायरेक्ट पहुंचे, तो उसके लिए फिर आप जो बेल आइकन देख रहे हैं फिर ये पुश कर दें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।